नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएल सिटी लाइव न्यूज। जनाधिकार पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई की मांग और राजीव प्रताप रूडी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया गया जल सत्याग्रह। साहेबपुर कमाल प्रखंड के मुंगेर घाट में जनाधिकार पार्टी की ओर से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई और राजीव प्रताप रूडी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जल सत्याग्रह कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक गंगा में रहकर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की गई। इसकी अध्यक्षता जाप छात्र परिषद के जिला उपाध्यक्ष अविनाश कुमार ने किया। मौके पर जाप नेता आशुतोष यादव ने कहा कि जिस तरह से सेवक पप्पू यादव को साजिश के तहत फर्जी मुकदमा में जेल में डाले हुए हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की नाकामी को जिस तरह से पप्पू यादव जी उजागर कर रहे थे इस कोरोना काल में और जनता को हर एक चीज़ से मदद कर रहे थे, ये काम इस निकामी सरकार को नहीं पची और उनको सेवा के बदले जेल में डाल दिए। और छात्र नेता सुमित कुमार यादव व अविनाश कुमार ने कहा कि इस हिटलर शाही सरकार ने जिस तरह पप्पू यादव को जेल से रिहाई नहीं होने दे रही है, उस निकम्मी सरकार की मानसिकता साफ जाहिर हो रहा है कि मेडिकल माफिया और एम्बुलेंस चोर रूडी को बचाने के लिए पप्पू यादव को आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, मगर यह आवाज़ दबने वाली नहीं है। जाप के हर एक कार्यकर्ता पप्पू यादव है। पारस हॉस्पिटल के कुकृत घटना पर भी सरकार पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, मगर पप्पू यादव की रिहाई और पारस हॉस्पिटल पर कार्रवाई जब तक नहीं होगा यह आंदोलन चलता रहेगा। मौके पर मौजूद युवा शक्ति प्रखंड अध्यक्ष धीरज यादव, युवा परिषद के अध्यक्ष साहिल कुमार, छात्र परिषद प्रखंड अध्यक्ष रणवीर कुमार, किसान प्रकोष्ठ संजय यादव, मनीष कुमार, लालू यादव, विभीषण राय, अनिल कुमार, छोटू कुमार, मनीष कुमार मौजूद थे। पप्पू यादव जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज ये जो सत्याग्रह कर रहे हैं इनका क्या, इनसे क्या मतलब, क्या बताना चाहते हैं? आज जब सत्याग्रह के माध्यम से बिहार सरकार को हम बताना चाहते हैं, जिस तरह से गरीबों के मसीहा आदरणीय पप्पू यादव जी को एक साजिश के तहत गिरफ्तार करने का काम किया गया, उसी के विरोध में आज हम जनाधिकार पार्टी युवा शक्ति युवा मोर्चा के तमाम साथियों के साथ आज हम जल सत्याग्रह के माध्यम से नीतीश कुमार को चेताना चाहते हैं। नीतीश कुमार को कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द गरीबों के मसीह आदरणीय पप्पू यादव जी को रिहा करें, नहीं तो ये तो सिर्फ हम लोगों का यह चरणबद्ध आंदोलन जारी है, आने वाले भविष्य में इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग करने के लिए तैयार रहेंगे। ये हम लोगों का जल सत्याग्रह के माध्यम से सिर्फ आपको बताना नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी चेतावनी है आपके लिए कि पप्पू यादव जी को रिहा करें, नहीं तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन का आपको सामना करना पड़ेगा। और सरकार को जो ये लचर पचर व्यवस्था है, और सबसे बड़ी मांग है हम लोगों का कि कोरोना वायरस में जितने भी पीड़ित परिवार, जितने लोगों की मृत्यु हुई है, मेरा मांग है सरकार से उस सारे मृतक परिवार को मुआवजा मिले, और जो वर्तमान में जो पीड़ित परिवार, जो पेशेंट हैं, जिन इलाज की ज़रूरत है, उसको सही से उसको ट्रीटमेंट मिले, सही से उसको इलाज की व्यवस्था हो। और एम्बुलेंस चोर राजीव प्रताप रूडी जैसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि जब आप कहते हैं कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ने में जब आप गिरफ्तार करते हैं, तो एम्बुलेंस चोरी करने वाले पर भी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, जो सरकार नहीं कर रही है। क्योंकि सरकार और चोर के साथ मिली भगत के तहत आदरणीय पप्पू यादव जी को फंसाने का षड्यंत्र रचा गया, और जिस केस में उनको गिरफ्तार किया गया है, उस केस के जो अपहर थे, उन्होंने खुद न्यायालय में बयान दिया है आदरणीय पप्पू यादव जी बेकसूर हैं, उन्होंने मेरा किडनैप नहीं किया था, उनको बेवजह इनको फंसाया गया है, साजिश कर उनको परेशान किया जा रहा है। इसलिए सरकार से मेरा मांग है कबीला पप्पू यादव जी की रिहाई करें, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन का सामना करना पड़ेगा आपको। जिस तरह से बार बार बेल रिजेक्ट हो रहे, क्या आपको न्यायालय पर भरोसा अभी भी है? अभी भी मुझे न्यायालय पर भरोसा है, और मुझे पूर्ण रूप से न्यायालय भरोसा है कि न्यायालय में निश्चित रूप से पप्पू यादव जी को न्याय मिलेगा। चूँकि एक ही न्यायालय पर ही लोगों को भरोसा रहता है, क्योंकि सरकार का जो लचर पचर व्यवस्था है, जो कानून की रवैया है, उस पर से तो लोगों का विश्वास समाप्त हो गया है। लेकिन न्यायालय न्याय की मंदिर है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि न्याय की मंदिर में न्याय जरूर मिलेगा,
और हमारा आदरणीय नेता पप्पू यादव जी बहुत जल्द हम लोगों के बीच रहेंगे। नाम बताओ। आशुतोष कुमार यादव, युवा परिषद प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार।